नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे जो उसमें फोटो का इस बार नया कर दिया है उसमें आपको कैसी फोटो अपलोड करनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत फोटो अपलोड की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो में नया रूल जो है इस बार दिल्ली पुलिस ने लगा दिया, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। हम आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है वो कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले उसका लिंक आपको रोजगाररिजल्ट.com पे मिलेगा। दोस्तों ध्यान रहे, रोजगाररिजल्ट.com ट्रस्टेबल जेन्युइन और बहुत ही तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी, सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक लिंक और दिखा देता हूँ, फिर हम चलेंगे सीधा फॉर्म भरने पर। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है, नंबर वन वेबसाइट, बहुत ही फेमस वेबसाइट सरकारीरिजल्ट.com। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी सरकारी रिजल्ट खुलिएगा लास्ट में .com जरूर चेक कीजिएगा, ये लोगो पहचान लीजिए। अगर आपके मोबाइल लैपटॉप कहीं पर भी सरकारी रिजल्ट खुली है तो .com जरूर चेक कीजिए। तो उसके बाद सीधा मैं आपको बता दूँ, सीधा हम क्लिक करते हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल फॉर्म पर। पहले मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे फॉर्म भरने पर और फोटो के क्राइटेरिया पर। तो बता दूँ दिल्ली पुलिस इंस्टीट्यूट की भर्ती है जिसकी लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 है। जनरल OBC EWS की फीस 100 रुपये है, SC ST और महिलाओं की कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 1 जुलाई 2020 से कैलकुलेट होगी जो कि 18 से 25 साल है। उम्र की बात करें, पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें 5846 पोस्ट है जो कि मेल की 3902 है, फीमेल की 1944 है। ये कैटेगरी वाइज डिटेल दी हुई है जिसको कि आप देख सकते हैं। हाइट की बात करें तो जनरल OBC की 170 हाइट है, SC की भी 170, ST की 165 है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में SC की हाइट 155 दी गई है, चेस्ट 81 से 85 है। दौड़ आप देख सकते हैं 1600 मीटर की दौड़ है जिसको कि पुरुष को 6 मिनट और महिलाओं को 8 मिनट में कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं फॉर्म पर अप्लाई करने में और हम सीधा आपको पहले एक सिलेबस भी दिखा देते हैं, फिर हम चलते हैं। देखिए सिलेबस है इसका, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जो कि सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com पर उपलब्ध है। ये देख सकते हैं 2 पेज का सिलेबस है जिसको कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अब मैं आपको उसका बताता हूँ फोटो का क्या चक्कर है। दोस्तों जैसा कि आप नोटिफिकेशन में पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं, इस बार जो फोटो उन्होंने मांगी है दिल्ली पुलिस में वो फोटो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो एक बड़ी चीज की है, फोटो पे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट जो है प्रिंट होनी चाहिए। देख सकते हैं फोटो पे जो है डेट जो है फोटो खिंचवाने की डेट जो है प्रिंट होनी चाहिए, नाम कोई कंपलसरी नहीं है। फोटो खिंचवाने की डेट, द लास्ट डेट ऑफ द विच इज फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। अगर आपकी फोटोग्राफ में फोटो खिंचवाने की डेट प्रिंट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फॉर्म अपलोड करने से पहले आपको जो है लगानी बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों हम अप्लाई करते हैं, सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों बता दूं पहले जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग, और उसकी वीडियो हमने अपने इसमें लिंक में दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी दे दूंगा कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जो पहले से रजिस्ट्रेशन है या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों सीधा मैं क्लिक करता हूँ, अपने यहाँ पे लॉग इन डिटेल्स को डालता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है। जो भी लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हो, पहले से रजिस्टर्ड है, उसी तरह लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है, पहले आपको अपना मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना है। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपकी शो कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं एडिट करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी आपका गलत है, जैसे वोटर आईडी मैंने दे रखा, आपको कुछ और डालना है तो सब चीज़ें आप दे सकते हैं। दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद आपको नीचे आना या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो पहले सेव कीजिएगा, अगर कुछ चेंजेस नहीं किया तो नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं आप फोटो का ऑप्शन आ गया। देख सकते हैं मैंने कुछ दिनों पहले ही फॉर्म भरा था तो मेरी फोटो भी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है, 18 जून 2020 की फोटो। इसी तरह फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, फोटो के नीचे डेट मेंशन जरूर होनी चाहिए। देख सकते हैं जैसे मेरे में डेट लिखी हुई है, इसी तरह फोटो जिस तारीख की आपकी है वो फोटो पे डेट जरूर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा। तो सारी डिटेल चेक करने के बाद, फोटो अपलोड करने के बाद आपको सेव करके आगे बढ़ना। मैं सेव कर देता हूँ। दोस्तों वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों जैसे हम अप्लाई करेंगे देख सकते हैं कुछ बेसिक जानकारी आपको जो है यहाँ पे देनी है। जैसे कि ये पूछ रहा है कि आपका क्या, आप बिलोंग टू OBC है, तो अगर है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगला ऑप्शन पूछा है आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप मल्टीटास्किंग एम्प्लाई है या रिटायर्ड एम्प्लाई है दिल्ली पुलिस के, है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। स्टेट लेवल का पूछ रहा है, अगर कुछ है आपको तो यस कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको नो करके। आप अगला ऑप्शन पूछ रहे हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर का, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहिए
मैं पहला सेंटर आगरा ले लेता हूँ, दूसरा सेंटर लखनऊ ले लेता हूँ, तीसरा सेंटर मैं बनारस ले लेता हूँ। दोस्तों मैं बताऊँ तो एग्जाम सेंटर अपना नियरेस्ट लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है। एग्जाम सेंटर अपना नियरेस्ट जो हो, जहाँ पे आपको लगे कि नवंबर से दिसंबर के बीच जिसकी परीक्षा होनी है उस बीच आप जहाँ रहेंगे वही एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस अगर आप है तो कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर हम दोस्तों सीधा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूछ रहा है एज का रिलैक्सेशन, कि अगर आपको एज में छूट चाहिए जैसे ओबीसी ओबीसी वाले से डिग्री वगैरह के हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यस करके अपना जो एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है उसको आप भर सकते हैं। अगर आपने पूछा एनसीसी का, अगर आप एनसीसी होल्डर है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों सीधा हम चलते हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो हम डाल देते हैं, जैसे मेरी इंटरमीडिएट है मैं इंटरमीडिएट कर देता हूँ, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है आपको ट्वेल्थ का डिटेल देना है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम देना है, आपका जो रोल नंबर है वो देना है, जो आपके सब्जेक्ट है वो देना है। मैं देखा सब्जेक्ट आपको इस तरीके से देना है, मैंने इस तरीके से दे दिया अपने सारे सब्जेक्ट दे दिए, कब आपने इसको पास आउट किया है वो देना है, परसेंटेज आपको देना है, अगर आपका सीजीपीए में है तो सीजीपीए दे देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको उसको भरना है, उसका सीधा नीचे चलना है। दोस्तों आप नीचे आ चुके हैं, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस तरीके से उसको आपको भर देना है, जो भी कैप्चा हो। दोस्तों उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है और फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करना है। देख सकते हो दोस्तों प्रीव्यू ओपन है, प्रीव्यू में हम फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। कोई भी डिटेल्स करेक्शन है तो अभी कर लीजिए, बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होता, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ सबमिट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसको सबमिट करता हूँ। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको वापस आना है, जो SC ST या महिला कैंडिडेट है उनका फॉर्म वहीं कंप्लीट हो जाएगा, उनको यहाँ से प्रिंट करके उनको अपना प्रिंट निकालना है। जो कैंडिडेट OBC है या जिनको फीस पेमेंट करना है उनके लिए क्या सिस्टम है, अगर वो चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से चालान तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि चालान की जो लास्ट डेट है जनरेट की 11 सितंबर है और ऑनलाइन पेमेंट की 9 सितंबर है, 7 के 11:30 बजे तक। अगर जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से पेमेंट कीजिए, पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पेमेंट किसी वजह से एरर हो जाता है, मतलब कि आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है और उसमें अपडेट नहीं होता, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट इस पर क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस भी आप टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हमने दे रखे हैं इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन का भी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फॉर्म भरने के लिए सरकारी रोजगार का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।